गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज के वीडियो में आपको दैनिक पंचांग राशि परिचय दैनिक राशिफल तुम खास उपाय की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 12 अप्रैल शुक्रवार 2024 श्री शुभ संवत 2081 शक संवत 1946 चैत महीना उजाला पार चौथी तिथि सूर्य मीन राशि में चंद्रमा वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र प्रातः 5:20 के पहले, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। दिशा सूर्य पश्चिम दिशा परिहार दही। कहने का मतलब ये है आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं। अगर पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए जरूरी है तब आप क्या करेंगे? अगर आप पश्चिम दिशा की यात्रा करना चाहते हैं आपके लिए जरूरी है तो आप दही खाकर पश्चिम दिशा की यात्रा शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। राहु काल प्रातः 10:30 से 12 बजे तक, कुली काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, यमगंड काल दिन में 3 से 4:30 बजे। किसी भी काम को या यात्रा को राहु काल में न शुरू करें, क्यों? जो भी काम राहु काल में शुरू किए जाते हैं, यात्रा हो या कोई शुभ काम हो, ये दोनों ही काम में कदम कदम पे दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम अगर गुणिक काल में शुरू करते हैं तो सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम आपको राशि परिचय की तरफ लेके चलते हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि जानकारी कर लें। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं। आप घबराइए नहीं, क्यों? हम आपका सहयोग करेंगे। देखो दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर प्रा होता है। प्रा से भी बहुत लोग के नाम होते हैं, जैसे कि प्रमोद प्रमिला। अब आपको क्या करना है? प्रा को आप पा से देखें। कहने का मतलब यह है प्रा को आप कन्या राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा भी होता है, और त्रा से बहुत लोग के नाम होते हैं, जैसे कि त्रियुगी त्रिवेणी। अब आपको क्या करना? तो भैया त्रा को आप तुला राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा भी होता है, और ज्ञा से बहुत लोग के नाम हैं, जैसे कि ज्ञानचंद ज्ञानेन। अब आप क्या करेंगे? कहने का मतलब यह है ज्ञा को आप गा से देखें। यानी सीधा सा मतलब है ज्ञा को आप मकर राशि में। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर श्रा भी होता है, और श्रा से भी बहुत लोग को नाम होते हैं, जैसे कि श्रीधर श्री राम। अब आप क्या करें? तो भैया श्रा को आप शास देखें। कहने का मतलब यह है श्रा को आप कुंभ राशि में देखें।
ठीक है ना। अब हम आपको राशि फल की तरफ लेके चलते हैं। एरिस यानी मेष राशि, मेष लग्न राशि के जातकों, आज वाहन सुख आपको प्राप्त होगा। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी लाभ होने की युक्ति करें। माता को सुख प्राप्त होगा, धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। विशेष उपाय, अपने पास लाल रंग की रुमाल रखिएगा। टोरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जातकों, आज कठिन परिश्रम के द्वारा सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। भाई बहन का सहयोग मिलेगा, व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा, मन खुश रहेगा, रोजगार मंदा रहेगा। पति पत्नी में मतभेद होने के योग दिखाई दे। विशेष अपने पास सफेद रंग की रुमाल रखिए। जेमिनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातकों, आज खर्चा बढ़ेगा। बाहरी स्थानों से आपको सहयोग मिलने के योग दिखाई दे रहे। खजाने में पैसे की कमी रहेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा नहीं। रोग आदि से, झगड़े झंझट से आप सतर्क रहिए। विशेष उपाय, अपने पास हरे रंग की रुमाल रखिएगा। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों, आज मन खुश रहेगा, व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा, धन लाभ होने के योग दिखाई दे रहे हैं। बड़े भाई का सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान को कष्ट मिलने की योग्य। विशेष उपाय, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का एक माले का जप करिएगा। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों, आज खर्चा अधिक बढ़ेगा। बाहरी स्थानों से सहयोग मिलने के योग दिख रहे हैं। पिता को कष्ट होने के योग हैं। सरकारी काम में बाधा पड़े। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी दिक्कत आने के योग हैं। माता को कष्ट रहेगा। विशेष उपाय, पिता का सम्मान करके उससे आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातकों, आज भाग्य प्रबल है। धार्मिक कामों में मन लगेगा, यश प्राप्त होगा, धन लाभ होने के लोग दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस कमजोर रहेगा। विशेष अपनी बुआ और बहन का सम्मान करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों, आज पिता को कष्ट मिलने के योग दिख रहे हैं। सरकारी कामों में दिक्कत आने के योग हैं। आयु को बल मिलेगा, पुरुषों की शक्ति का मिलाप मिलेगा। परिवार में मतभेद होने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, सुहागिन औरतों को श्रृंगार का सामान दें और आप अपनी पत्नी को भी श्रृंगार का सामान दान दे सकते हैं, यानी उसको श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों, धार्मिक कामों में रुचि होगी, भाग प्रबल रहेगा, यश प्राप्त होगा। पति पत्नी में आपस में प्रेम रहे, रोजगार में लाभ होगा, शरीर में कमजोरी महसूस होगी। विशेष पर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सेजिटेरियस धनुराशि, धन लग्न राशि के जातकों, फिजूल चिंता सताएगी, शरीर को रोग आदि से बचा के रखें। आयु में वृद्धि होगी, बुजुर्गों की शक्ति का लाभ मिलेगा, परंतु बाहरी संबंधों के प्रति सतर्क रहिएगा, खर्चे में तंगी रहेगी। विशेष गरीब छात्रों को कॉपी किताब पेंसिल दान करिएगा। कल्पिकार
यानी मकर राशि, मकर लगन राशि के जातकों आज मन खुश रहेगा, छात्रों को विद्या का लाभ मिलेगा, संतान का सहयोग रहेगा, रोजगार में लाभ होने के योग दिख रहे हैं, गृह सुख की प्राप्ति होगी, परंतु भाई बहन से मतभेद होने के योग दिखाई देगा। विशेष उपाय, गरीबों को सरसों के तेल की पूड़ी और नीले बैंगन की सब्जी खिलाई है। एक को बेहस यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों व्यर्थ की चिंता रहेगी, रोग आदि से सावधान रहिए, झगड़े झंझट की स्थिति से भी आपको सतर्क रहना। माता को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, घरेलू सुख में कमी रहेगी, पिता को कष्ट मिलने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, गरीबों को काले चने सरसों के तेल में तल के दान करिएगा। पाइसेस यानी मीन राशि, मीन लग्न राशि के जातकों आज छात्रों के लिए विशेष अच्छा दिन है, संतान का सुख प्राप्त होगा, भाई बहन का भी सहयोग मिलेगा, कठिन परिश्रम के द्वारा सफलता मिलने के योग दिखाई देंगे, अपयश मिलने के भी योग है, धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा। विशेष उपाय, अपने सद्गुरु का सम्मान करके उनसे आशीर्वाद जरूर प्राप्त करिएगा। अगर अपनी राशिफल में विशेष सटीकता चाहती तब आपको करना क्या है, अपने राशिफल को लग्न से देखिए। आपको अपने लग्न नहीं मालूम है तो हमसे संपर्क करके निःशुल्क अपने लग्न की जानकारी कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूले। हमारे इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियो, आवश्यक सूचना, हस्तरेखा परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, तांत्रिक अनुष्ठान, विवाह आदि के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9807225523 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कम्युनिटी सेंटर सामने पार्क के पास, आवास विकास नंबर 1 कल्याणपुर, कानपुर नगर। जय माता।